बड़ी खबर देहरादून से ही, जहां पर मसूरी को सीएम की सौगात मिली है। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पुल का शिलान्यास किया है। कालीरो नदी पर पुल का शिलान्यास किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कालीरो नदी का पुल का शिलान्यास सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, सौगात यहां पर मसूरी के लोगों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जहां पर पुल का शिलान्यास सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए किया गया। और अजीत कंबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजीत, इस पुल का शिलान्यास होना कितना फायदेमंद यहां के लोगों के लिए? बिल्कुल रितु, राजधानी देहरादून से सटा हुआ ये क्षेत्र है मसूरी विधानसभा का, और आपदा के चलते यहाँ पर जो पुल थे वो जमींदोज हो चुके थे, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों की तरफ से मांग उठाई जा रही थी। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से लगभग दोनों पुल की अगर लागत देखी जाए तो 8 करोड़ से ज्यादा की कीमत के दोनों पुल हैं, जिनका शिलान्यास यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले किया गया है। और अब उम्मीद यही जगी है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इनका निर्माण होगा। विश्व बैंक की मदद से लोक निर्माण विभाग इन पुलों का निर्माण कर रहा है, तो आने वाले समय में जो स्थानीय ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि उनको पुल के माध्यम से जोड़ा जाए, और बरसात के समय जो तमाम तरह की दिक्कतें आम जनता और सबसे ज्यादा बच्चों के सामने आती है, स्कूली बच्चों के सामने नदी को उनको क्रॉस करना पड़ता था, कई तरह की दिक्कतें होती है, हादसे हो जाते थे, तो ऐसे में दोनों पुलों का जो आज शिलान्यास हुआ है, तो उम्मीद है कि साल भर के भीतर इनका निर्माण भी पूरा होगा और उससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अजीत, इस पुल को लेकर जो जानकारियां हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, कितना बड़ा ये पुल बनेगा, कितनी लागत लगेगी और वक्त कितना इस पुल को बनने में लगेगा? देखो रितु, अगर पुल की लंबाई की बात की जाए तो वो नदी के हिसाब से यहाँ पर तय किया गया है कि कहाँ पर सबसे कम मात्रा इसकी होगी लंबाई की और उसको कितना जल्दी यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। तो सरकार की कोशिश यही है कि तय समय पर इसको पूरा किया जाए। अभी अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है शिलान्यास कार्य तब उनको संबोधित किया है, साफ तौर पर उनको कहा है कि जो जिस स्तर पर काम किया जाए तेजी से काम किया जाए, जितना जल्दी आम जनता को राहत दी जा सके उस दिशा में काम होना चाहिए। अगर लागत की बात की जाए तो एक पुल जो बड़ा पुल है उसकी कीमत लगभग 6 करोड़ 88 लाख के लगभग है, और दूसरा जो थोड़ा छोटा पुल है उसकी कीमत 2 करोड़ के लगभग है, तो कुल मिलाकर 8 करोड़ से ज्यादा का यह पुल है। दोनों ही पुल महत्वपूर्ण पुल है, आम जनता को सीधे जोड़ते हैं, ग्रामीण इलाकों को राजधानी देहरादून से जोड़ने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।